फ्रेंड्स, बाल मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था हेलोजन जो यौगिक होते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इनके सामान्य परिचय को लिया था और आपको ये बताया था कि इसका चिकित्सा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है ना। आज हम इस पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको पता है कोई भी टॉपिक जो अपन शुरू करते हैं ना, तो शुरू करने में हमें क्या चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण कि भाई हेलोजन जो होते हैं इनको चाहे वो एल्केन एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है। अब उसके पार्ट को पढ़ने के लिए वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता होती है आप सब जानते हैं, अपन ने 11th में भी पढ़ा है। तत्वों के गुणों को पढ़ने के लिए, तत्वों को समझने के लिए उनका वर्गीकरण हमने लिया था आवर्तसारणी के रूप में, तो यहां भी हम इसके रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो वर्गीकरण है, इसके वर्गीकरण को सबसे पहले बताया गया है वो है कि जो हेलोजन परमाणु है वो कितने जुड़े हुए, उन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलोजन के वर्गीकरण को अपन प्रदर्शित करते हैं। पहला इसका क्लासिफिकेशन आता है। तो देखो सबसे पहले है कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण क्या होगा, ठीक है। तो अब इसके वर्गीकरण के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे पहला आता है वो है मोनो हेलो एल्केन, सबसे पहली चीज आती है मोनो हेलो एल्केन के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। मोनो मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो ऐसे, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हैलाइड, मतलब हैलाइड जो होते हैं जिसमें एक हेलोजन समूह जुड़ा हो, क्या हो, एक हेलोजन समूह जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन, या सामान्य एल्किल हैलाइड के रूप में जिसे प्रदर्शित किया जाता है। और इसको समझने के लिए आप ये ले सकते हैं, देखो CnH2n+2, ये आपको पता है ना कौन सी श्रेणी है, एल्केन श्रेणी है। अब हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, जैसे कल अपन ने परिभाषा ली लास्ट लेक्चर के अंदर कि भाई जब हम एल्केन से एक एच हटाकर या एक से अधिक संख्या में एच हटाकर हटाते हैं, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो वो बनता है एल्किल हैलाइड। तो यहां से देखो आप सूत्र लिखा हुआ है CnH2n+2, यहां से अपन क्या करते हैं CnH2n+1 कर देते हैं, एक एच हटा और इसके साथ में क्या जोड़ दिया हमने, एक्स जोड़ दिया। एक्स मतलब क्या है, हेलोजन है। तो अब ये एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड, कितना है, एक ही है। अब इस पूरे को प्रदर्शित करने का तरीका मैंने आपको बताया था इसके रूप में है, आर एक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 11th में अपन ने एल्केन वाले पार्ट के अंदर एल्केन एल्किन एल्काइन आपने पढ़ा होगा, है ना, कि भाई उसमें किस प्रकार से हैलाइड काम में लिए जाते हैं। तो मोनो मोनो का मतलब क्या कहोगे आप, सिंपल सी परिभाषा कि ऐसे एल्किल हैलाइड या क्या लेते हैं, हेलो एल्केन, जिसमें कम से कम एक, कितना, एक हेलोजन समूह, कोई भी हो सकता है। अब कोई भी कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी समूह इसके साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन के रूप में दर्शाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, जो अपन ने 11th में पढ़ा था टॉपिक, जिसमें कहा था कि ये जो कार्बन होते हैं एल्किल हैलाइड होते हैं ना, इसको अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्या लेते हैं अपन, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसमें हेलोजन जो समूह होता है, ये हेलोजन किससे जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। एक होता है द्वितीयक, क्या नाम लेते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये हैलाइड के रूप में अपन इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कितना जुड़ा हुआ, हेलोजन किससे जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और एक होता है तृतीयक, तृतीयक को हम किसके द्वारा, 3 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो इसको क्या नाम देते हैं अपन, तृतीयक हैलाइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला वर्गीकरण है, जिसमें आप देख रहे हो कि भाई हेलोजन मोनो हेलो एल्केन के अंदर हम 1 डिग्री 2 डिग्री और किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, 3 डिग्री के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप क्या करेंगे, मेरा काम कर दीजिएगा, काम ये है कि आप पहले ये कॉपी के अंदर नोट करेंगे, नोट करने का तरीका आपको पहले ही बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। एक चीज और कहता हूं कि एक इस मतलब कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो ना, उसको लगातार देखते जाइए, ऐसा नहीं कि एक बार में देखने से आपको हर चीज समझ में आएगी,
आप दो बार तीन बार चार बार वीडियो को लगातार देखो, उसको समझो, फिर उसको कॉपी के अंदर नोट करते जाएगा। ठीक है, अब नोट करने का तरीका आपको भी बताएं कैसे करना है, जैसे शॉर्ट है ये तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम लेते हैं इसके अंदर सेकंड, वो है डाई। अब डाई किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा के रूप में आप जानते हो ना, तो बस अब ये एक छोटा सा हम इसका ले लेते हैं वर्गीकरण। देखिए अब आता है इसमें डाई, अब मैं सीधा बता रहा हूं आपको इसमें वर्गीकरण में। ठीक है, सेकंड नंबर आता है, जैसे अपन ने सेकंड लिया, ये है डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन। ठीक है, और एक अपन इसके साथ में तीसरा भी ले लेते हैं, वो है ट्राई हेलो एल्केन। क्या नाम लेते हैं, ट्राई हेलो एल्केन के रूप में। डाई और ट्राई, डाई का मतलब क्या हुआ दो, और ट्राई का मतलब क्या हुआ तीन हेलोजन जुड़े हुए। ठीक है, अब दो में यहां डाई शब्द आ रहा है, इसका मतलब दो समान हेलोजन जुड़े हों, क्या हो दो समान हेलोजन जुड़े होते हैं तो डाई। यहां पर ट्राई है तो ट्राई के लिए कितने होने चाहिए, तीन हेलोजन समूह जुड़े हुए रहते हैं। अब चाहे वो हेलोजन किसके रूप में हो, देखो आप जैसे अपन ने लिया डाई है तो CH2 एक Cl इधर एक Cl, अब ये दो हो गया डाई के लिए, और तीन के लिए लिखना है तो CH2 CH, ये Cl Cl, फिर CH2 Cl। अब इसमें कितने हेलोजन जुड़े हैं, एक दो और तीन, और इसके अंदर कितने जुड़े हुए हैं दो, तो डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर कितने दो हेलोजन जुड़े हों, और ट्राई का मतलब होता है तीन। अब इसमें आप वलय भी ले सकते हो, कि जैसे मैंने बेंजीन की वलय ली और वलय में जैसे एक समूह यहां जोड़ दिया एक समूह यहां जोड़ दिया। अब ट्राई है तो ट्राई में अपन कितने जोड़ सकते हैं, तो तीन जोड़ सकते हैं, तो कितने एक दो तीन। अब ये कहीं पर भी आप जोड़ सकते हो वलय के अंदर, है ना, तो ये क्या आते हैं इसके रूप में प्रदर्शित। तो पहला जो इसके अंदर दिया है, इसमें देखो मुख्य रूप से मोनो डाई और ट्राई तीन तो होते हैं, और तीन से ज्यादा अगर होते हैं तो उसको पॉली के नाम से जाना जाता है, पॉली हेलो एल्केन के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, चार या चार से अधिक संख्या आते ही ये सीधा पॉली के रूप में आ जाएगा, पॉली का मतलब होता है बहुलक, बहुलकीकरण के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो अपना पहला वर्गीकरण जो आप देख रहे हो वो है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब पहले वर्गीकरण के अंदर ही हमने जो फर्स्ट समूह लिया था मोनो, तो मोनो के अंदर आगे अलग अलग प्रकार से दर्शाया गया है, और उसी के अंदर अपने सवाल आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसमें सेकंड नंबर, जिसके अंदर परीक्षा के अंदर मोस्ट सवाल बनते हैं, वो मैं आपको सवाल भी साथ में बताता जाऊंगा क्या आता है, किस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। वो है कि एक हेलोजन समूह जो होता है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब उस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, तो संकरण के आधार पर अपन इसका वर्गीकरण लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आगे वर्गीकरण आता है सेकंड मेन, ये याद रखना है, वो है अपन लेते हैं CH बंध में। अब बंध क्यों ले रहा हूं, अब चलो अपन NCRD ले रहे हैं तो बंध की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, आबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो CH आबंध में कार्बन के संकरण के आधार पर ये वर्गीकरण किस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला आता है कि CH बंध में आबंध में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। अब अगर कार्बन यानी हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण क्या हो sp3 होता है, तो इसके अंदर अपन अलग अलग तीन प्रकार के समूह लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जिसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या नाम देते हैं अपन, एल्किल
हैलाइड जो अभी अपन ने लिया था, जिसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर एक्स एल्किल हैलाइड के रूप में, समझते हो ना। तो एल्किल हैलाइड मतलब जिसमें हेलोजन सीधा किससे जुड़ा हो, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 संकृत कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है सीधा, तो उसको क्या कहते हैं अपन, एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब आप अभी अपन ने लिया था जस्ट पहले इससे मोनो में, तो ये मोनो के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा वर्गीकरण जो अपन ले रहे हैं ना, ये किसका ले रहे हैं, मोनो के अंतर्गत लेंगे, मोनो हेलो एल्केन के अंतर्गत। अब इसमें आप ले सकते हो जैसे CH2S। अब पर पहचान कल बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा, sp3। डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा होता है, sp3। अब ये पहचानना है सिर्फ ये कि ये ना जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन कैसे पहचानोगे। अब यहां से देख लो, इस कार्बन से आगे क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या होगा, sp3 होगा, तो ये 1 डिग्री हो गया। फिर CH3, CHX, CH3। अब ये कार्बन देख रहे हो जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये भी एकल बंद है, ये भी एकल बंद है, तो ये भी संकरण क्या होगा, sp3। ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री, क्योंकि सीधा दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर 3 डिग्री लेते हैं तो CH3, CH3X, CH3। अब आप देख रहे हो इस कार्बन को चारों तरफ या तीन तरफ मुख्य रूप से एकल बंद है, तो एकल बंद है मतलब संकरण कौन सा होता है इसका, sp3 होता है। तो ये कार्बन भी संकरित sp3 है, लेकिन इसको कौन सा कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है, एल्किल हैलाइड का मतलब समझ लीजिएगा कि ऐसे हेलोजन जिसमें मतलब ऐसे यौगिक जिसमें हेलोजन सीधा किससे जुड़ा हो, sp3 से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे के ऐसे उदाहरण लिखते जाइएगा, आपके बुक में और एग्जांपल दिए उस बुक के हिसाब से ध्यान रखिएगा, NCERT के अकॉर्डिंग चलना अपने, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब अपन इसका सेकंड लेते हैं। जैसे पहला एल्किल हैलाइड है ना, अब देखिए सेकंड क्या आता है इसका, सेकंड है वो है एलिलिक हैलाइड। क्या नाम देंगे अपन इसको, एलिलिक हैलाइड के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ये सबसे मेन अपने इसका एग्जांपल है एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, एलिलिक हैलाइड किस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो एलिलिक हैलाइड के अंतर्गत क्या करना है, ये संकरण ही ध्यान रखने हैं, sp3 sp2 sp केवल sp, है ना। ये देखिए आप, देखो आप, अब क्या होता है ना, सबसे पहले है ना मैं इसको परिभाषा लिखेंगे, लंबा हो जाएगा, शॉर्ट एग्जांपल से अपन समझते हैं। पहले आप क्या करो, कार्बन ले लो, ठीक है। अब हेलोजन जोड़ दो, हमने जोड़ दिया हेलोजन। अब हम पढ़ रहे हैं CH बंद में कौन सा हो, sp3 हो, यानी ये जो हेलोजन समूह है, ये हेलोजन ये कौन से बंद से जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण क्या हो, sp3 हो, जिसका संकरण sp3 हो, लेकिन वह कार्बन आगे किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हैलाइड जिसमें हेलोजन समूह उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जो श्रृंखला में आगे किससे जुड़ा हो, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है। अब sp2 की पहचान क्या होती है, मैंने अभी बताया ना, ये होती है डबल बॉन्ड, जोड़ दो आगे डबल बॉन्ड, हो गया ये, है ना। तो ये आ गया डबल बॉन्ड, इधर C, ये सिंगल है, ये C, फिर आगे श्रृंखला इस तरीके से चलती। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि इसमें हेलोजन उस sp3 संकृत कार्बन से
जुड़ा होता है जो श्रृंखला में आगे किससे जुड़ा हो, sp2 से जुड़ा हो, sp2 कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CL, ये आपको दे दिया ये, सॉरी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2X। अब इस कार्बन को देखो आप, ये हेलोजन है, ये कार्बन sp3 है क्योंकि ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। इसके पास वाले कार्बन को देखोगे ना, ये क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कौन सा है, sp2 है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कभी कभार एनसीईआरटी बुक के क्या अंदर, एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल देते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको ये वलय दे दी, और वलय के साथ में इधर हेलोजन जोड़ दिया और इधर एक बंध बता दिया। अब बंध इधर बताया तो आप देख रहे हो इस कार्बन को, इसका संकरण तो sp3 है, क्यों, क्योंकि इधर एकल बंध है, लेकिन ये इधर आगे किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से, क्योंकि इधर क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो सेकंड है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या हुआ, सिंपल तरीके से समझिएगा कि जिसमें हेलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो श्रृंखला में आगे किससे जुड़ा हो, sp2 से जुड़ा होता है। समझ में आया, ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। और अब हम लेते हैं इसका तीसरा सी, ये किसका है, sp3 का लास्ट है, ये है बेंजीलिक हैलाइड के रूप में अपन इसको प्रदर्शित करेंगे, बेंजीलिक हैलाइड तीसरा सी लेते हैं अपन, बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है, तो यही थी जो अभी अपन ने ली थी चीज, इसी के संबंधित है बेंजीलिक हैलाइड। अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं पहले कि इसमें हेलोजन, अब हम ले रहे हैं अभी भी कौन सा है, sp3 ले रहे हैं, तो हेलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो आगे सीधा किससे जुड़ा हो, बेंजीन वलय से अगर जुड़ा होता है तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है ना, तो एग्जांपल पहले आप क्या करो, हेलोजन लो, लिया। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को सीधा अपन किससे जोड़ते हैं, वलय से जोड़ते हैं। अब जब आप इसे वलय से जोड़ रहे हो तो इसमें कितने बंध हो गए, दो। अब एक एच इधर आ गया, एक एच इधर आ गया। अब ये सीधा तो एकल बंध है ना, ये क्या है, एकल बंध है तीनों तरफ, तो इसका संकरण तो क्या होगा, sp3 होगा, और ये क्या है, बेंजीन की वलय होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बेंजीलिक हैलाइड मतलब ऐसे हैलाइड जिसमें हेलोजन उस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है जो आगे सीधा किससे जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हो। इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, बेंजीलिक हैलाइड के रूप में। तो आपको सवाल पूछेंगे एल्किल हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड में अंतर बताओ, तो एल्किल हैलाइड में तो हैलोजन सीधा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, और बेंजीलिक हैलाइड में बताओगे हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो आगे किससे जुड़ा हो, बेंजीन की वलय से जुड़ता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये तो आप अभी देख रहे हो कि यहां पर अपने पहला हुआ है sp3 के बारे में। अब हम इसका लास्ट वर्गीकरण लेते हैं जिसमें हम बताएंगे कि CH बंध जो होता है ना वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। CH बंध में कार्बन का संकरण क्या हो, sp2 होता है। देखिए आप, अब sp2 के हिसाब से लेना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम दो नाम ही है इसके, तो वो अभी अपन ले लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अब सेकेंड आता है वह CH बंध में कार्बन का संकरण क्या हो, sp2। अब बंध का मतलब यहां पर अपन क्या ले सकते हैं,
आबंध के रूप में, ये ध्यान रखना है। तो इसमें पहला आता है वो है वाइनिलिक हैलाइड। क्या कहते हैं? वाइनिलिक हैलाइड, या इसको वाइनिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइनिल हैलाइड। और दूसरा आएगा जिसको अपन कहते हैं अपना, क्या कहते हैं? हेलो एरीन, जो पार्ट के अंदर दिया गया है टॉपिक अपना, हेलो एरीन। तो वाइनिलिक हैलाइड में सीधा बताना है कि हेलोजन सीधा किससे जुड़ा हो? sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। अब एक तो ये आ गया, अब इसका सीधा उदाहरण लेता हूं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH, पढ़ा है इसका नाम, ये है वाइनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? वाइनिल क्लोराइड। तो ये कार्बन, ये क्लोरीन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? sp2। कैसे पहचान हुई? आगे क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो वाइनिलिक में यही ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर आता है हेलो एरिन, जो हमने पहले परिभाषा पढ़ी थी कि इसमें हेलोजन सीधा किससे जुड़ा हो? सीधा बेंजीन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? बेंजीन से जुड़ा हो, यानी ये वलय दी और वलय के साथ में हमने क्या जोड़ दिया? हेलोजन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरो बेंजीन। तो इसमें आप देख रहे हो ये कार्बन कौन सा होता है? sp2 संकृत, ठीक है। तो ये अपना मुख्य वर्गीकरण है, हेलो बेंजीन बोलते हैं ना अपन। पहले तो जोर से बोलोगे हेलो, उसके बाद क्या कहेंगे? बेंजीन। बेंजीन मत बोलना, बेंजीन के रूप में लिखा जाता है। तो आज अपने ये पूरा वर्गीकरण लिया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसका है? हेलोजन संख्या के आधार पर। दूसरा लिया संकरण के आधार पर, जिसमें संकरण में पहले लिया sp3 3, पहला एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक हैलाइड, और तीसरा क्या था? बेंजीलिक हैलाइड। वर्गीकरण जो शुरू किया था ना, तो वर्गीकरण में पहला तो था sp3 वाला और दूसरा अपन ने बताया sp2, और sp2 में क्या आया? वाइनिलिक हैलाइड, और दूसरा क्या आता है? हेलो एरीन। अब सवाल क्या पूछेंगे? बेंजीलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड में, या बेंजीलिक हैलाइड और हेलो एरीन में अंतर बताइए। तो अंतर में आपको परिभाषा एक लाइन लिखनी है और उदाहरण बताना है, ठीक है। तो आज अपना ये वर्गीकरण पूरा हुआ। कल हम यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे क्या? नामकरण, हेलोजन का नामकरण किस प्रकार से, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति में, और एक छोटा सा टॉपिक है CH बंध की प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।